हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल 3S फैमिली होम किचन में आप सभी लोगों का स्वागत है। आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे, जहाँ भी होंगे स्वस्थ होंगे। तो कल मैंने मटर नान रोटी की रेसिपी डाली थी, तो उसके साथ जो सब्जी थी मटर आलू पनीर की सब्जी, तो वो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। तो मैंने यहाँ पर पनीर को क्यूब स्लाइसिस में कट कर दिया है। यहाँ पर मैंने आलू टमाटर प्याज हरी मिर्ची और धनिया पत्ता ले लिया है। मटर छील के अच्छे से साफ करके मैंने ले लिया है। साथ ही में है अदरक लहसुन का पेस्ट और है दही। तो चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम मटर और आलू को कुकर में डाल देंगे, दो सीटियां तक इसको पका लेंगे। आप चाहे तो मटर को बाद में आलू के साथ भी फ्राई कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको पहले सीटी लगा लूँगी ताकि मटर कच्चा ना रहे और अच्छे से सॉफ्ट हो जाए और इसकी जो टेस्ट है वो अच्छे से आए। तो मैंने यहाँ पे आलू को बीच में से कट करके डाल दिया है। तो दो से तीन सीटियाँ तक हमें इसको कुक कर लेना है। और साइड में मैंने प्याज हरी मिर्ची और टमाटर को कट करके ले लिया है। इसको हमें पेस्ट बनाना है। तो पहले हम एक पैन में थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल ले रहे हैं। आप चाहे तो सरसों का तेल यूज़ कर सकते हैं, घी बटर कुछ भी आप यूज़ कर सकते हो इसमें। तो मैंने यहाँ पर रिफाइंड ऑयल यूज़ किया है। तेल को हम अच्छे से गर्म कर लेंगे। जैसे तेल अच्छे से गर्म हो जाता है, हमें इसमें थोड़ा सा नमक डाल देना है और थोड़ा सा हमें इसमें हल्दी डाल देना है। और इसमें अभी हमें जो पनीर हमने क्यूब स्लाइस में काट कर ले लिया था उसको डाल देंगे और इसको दोनों तरफ से अच्छे से फ्राई कर लेंगे गोल्डन कलर आने तक। और इसको ज़्यादा देर नहीं फ्राई करने हैं। आप चाहे तो इसको कच्चा भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन इसको फ्राई करके डालने से इसका टेस्ट जो है वो और इन्हेंस होकर आता है। इसीलिए हमने थोड़ा सा नमक और हल्दी के हेल्प से इसको थोड़ी देर शैलो फ्राई कर लिया है। तो ये हो गया है। तो चलिए अभी इसको निकाल लेते हैं। और इसी पैन में जो है हमारा प्याज टमाटर हरी मिर्च हमने काट करके रखा था पेस्ट के लिए, वो डाल देंगे और उसको सॉफ्ट होने तक हमें पका लेना है, पेस्ट बना लेना है। रेसिपी को आप लोग ज़रूर एंड तक देखिएगा। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। कमेंट में बताइए रेसिपी आपको कैसी लगती है। फेसबुक और इंस्टाग्राम आईडी के लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, आप जाके फॉलो कर लीजिएगा। जैसे हमारा टमाटर प्याज और हरी मिर्ची सॉफ्ट हो गया हमने निकाल लिया है। अभी हम कढ़ाई में सरसों का तेल ले रहे हैं, अभी हम इसमें डाल देंगे। जैसे तेल अच्छे से गर्म हो जाता है हम इसमें डाल देंगे पहले तेज पत्ता और कटे हुए प्याज डाल देंगे हम। और इसमें जीरा डाल दिया है। आप चाहे तो इसमें हींग भी डाल सकते हो, अजवाइन भी डाल सकते हो। तो मैंने थोड़ा सा जीरा डाल दिया है। अभी हम इसमें प्याज डाल देंगे और प्याज को हमें सॉफ्ट होने तक भून लेना है। जैसे प्याज थोड़ा सा सॉफ्ट होता है हमें इसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट ऐड कर देना है। इसको भी थोड़ी देर हमें भून लेना है। अदरक और लहसुन का जैसे स्मेल चला जाता है कच्चापन का, उसके बाद हमें इसमें ऐड कर देना है टमाटर। तो हमने एक टमाटर एक प्याज और हरी मिर्ची को पेस्ट बना लिया था और बाकी टमाटर और प्याज को हमने चॉप कर लिया है। तो प्याज को सॉफ्ट करने के लिए इसमें आप नमक ऐड कर दीजिए। इससे क्या होता है टमाटर जो है वो जल्दी गल जाता है, सॉफ्ट भी हो जाता है। तो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक एक साथ में यूज़ कर लीजिए। तो नमक के साथ हमें टमाटर को अच्छे से सॉफ्ट होने तक पका लेना है। जैसे ये टमाटर भी सॉफ्ट हो जाता है हमें इसमें जो पेस्ट हमने बना लिया है वो डाल देंगे। इसको डालने के बाद हमें अच्छे से सारी चीज़ों को मिक्स कर लेना है। तो दो से तीन मिनट चलाते हुए पेस्ट के साथ टमाटर और प्याज को पका देना है। देन हमें इसमें मसाला ऐड कर देना है। तो पहले ही हमने इसमें नमक यूज़ कर लिया था टेस्ट के अकॉर्डिंग। अभी हमने इसमें हल्दी पाउडर, लाल मिर्ची पाउडर भी आप जितना तीखा खाते हो उसके अकॉर्डिंग डाल दीजिए। साथ ही में अभी हम इसमें कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे कलर के लिए और सारी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा जीरा पाउडर ऐड किया है और थोड़ा सा धनिया पाउडर। अभी मसालों को भी हमें अच्छे से पका लेना है।
जैसे ही मसाला अच्छे से रेडी हो जाता है हमें इसमें ऐड कर देना है दही। दही को जब भी आप ऐड करें गैस के फ्लेम को लो पे रखें, नहीं तो दही जो है वो फट सकता है। तो पहले हमें अच्छे से दही को मिक्स कर लेना है, देन गैस के फ्लेम को मीडियम टू हाई पे करना है। यहाँ पे देखिए दही को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। मिक्स करने के बाद हमें गैस के फ्लेम को मीडियम टू हाई पे करना है और देन थोड़ा सा पानी हमें ऐड करना है ताकि मसाला और जो दही है अच्छे से रेडी हो जाए। अभी हम इसको चलाते हुए पका लेना है 4 से 5 मिनट के लिए। तो मैंने यहाँ पे लीड लगा दिया है। तो यहाँ पे देखिए तेल छोड़ दिया है मसालों ने। अभी हमें इसको अच्छे से एक बार चला लेना है और उसके बाद हमें इसमें आलू को ऐड कर देना है। तो आलू को मैंने कट करके ले लिया है, आप चाहे तो हाथ के हेल्प से थोड़ा सा स्मैश कर लीजिए। आलू को डालने के बाद हमें अच्छे से इसको मसाले के साथ मिक्स कर लेना है ताकि मसालों का जो टेस्ट है वो आलू में अच्छे से आ जाए। और उसके बाद मटर को भी हम डाल देंगे। तो मटर देखिए कितना अच्छे से सॉफ्ट हो गया है। तो इसको भी हमें लीड लगा के 4 से 5 मिनट के लिए पकने देना है मीडियम टू लो फ्लेम पे। इसके बाद हमें पानी ऐड कर देना है। आप अपने अकॉर्डिंग पानी यूज़ करिए। अगर आपको ग्रेवी पतली चाहिए तो आप इसमें थोड़ा सा पानी ज़्यादा ऐड कीजिए। तो मैंने यहाँ पे 2 ग्लास से थोड़ा सा ज़्यादा पानी यूज़ किया था। तो पहले मैंने 1 ग्लास पानी डाल दिया है, उसके बाद फिर मैंने इसमें और 1 ग्लास पानी ऐड करके इसको बॉयल करने के लिए छोड़ दिया है। क्योंकि हमने इसमें पेस्ट यूज़ किया है तो ग्रेवी जो है थोड़ा सा थिक हो जाएगा अपने आप ही, और इसमें आलू भी है। तो जैसे इसमें बॉयल आ जाता है हमें इसमें ऐड कर देना है मैगी मसाला। आप चाहे तो इसमें गरम मसाला का पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे मैगी मसाला यूज़ किया है ताकि इसका जो टेस्ट है थोड़ा सा और अच्छा आए। तो इसमें जैसे अच्छे से बॉयल आ जाता है और एक बार अभी हम इसमें जो पनीर है उसको ऐड कर देंगे। तो देखिए अभी हम इसमें जो पनीर है उसको ऐड कर देंगे और साथ ही में धनिया पत्ता को भी ऐड कर देंगे और इसको 1 से 2 मिनट बॉयल होने देंगे। देन हम इसको प्लेटिंग कर लेंगे। तो इसके साथ जो मटर की नान रोटी हमने बनाई थी वो बहुत टेस्टी लगी थी दोनों साथ में। आप चाहे तो इसको पूरी रोटी चावल किसी के भी साथ खा सकते हो। यहाँ पे सब्जी जो है हमारी रेडी हो गई। तो चलिए इसकी प्लेटिंग कर लेते हैं गर्मा गर्म। यहाँ पे देखिए हमने प्लेटिंग भी कर लिया है। आपको रेसिपी कैसी लगी ज़रूर कमेंट में बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट रेसिपी के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और मेरी रेसिपी को ज़रूर ट्राई करते रहिए।